हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आपको चार आसान एक्सरसाइजेस जो आपके बैक फैट को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला एक्सरसाइज है अल्टरनेट लेग एंड हैंड रेज। उसके लिए आप अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों में ले लें शोल्डर विड्थ डिस्टेंस। आपके कंधे और हाथ एक लाइन में होना चाहिए। हिप को इस तरीके से फ्लैट रखें टू द सरफेस, पीछे नहीं लेना है और ना ही आगे। अब आपको करना है अल्टरनेट हैंड एंड लेग इस तरीके से रेज डाउन। ये आपको करीबन ईच साइड 8 काउंट्स परफॉर्म करना है और ये आप 2 से 3 के सेट में परफॉर्म कर सकते हैं। बीच में लेना है आपको 10 टू 15 सेकेंड का ब्रेक। एंड रिलैक्स। ध्यान रहे आप अपना बॉडी वेट जो है वो सेंटर पे शिफ्ट करें, एक साइड पे झुक के आप परफॉर्म ना करें। इस तरीके से झुकते हुए नहीं करना है, सेंटर पे रखना है आपका बॉडी वेट, उसके बाद ही आपको करना है परफॉर्म। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आप मैट पर कंप्लीटली लेट जाएं, अपने पेट के बल दोनों हाथों को इस तरीके से बाहर निकालें शोल्डर लेवल पर, चिन अप फ्लोर पे लगाएं और हैंड्स अप एंड डाउन कीजिए। ये आपके बैक मसल जो लैटिस मस्टोसाई है उसको टारगेट करता है। इस तरीके से दोनों हैंड्स अप एंड डाउन कीजिए, जितना हो सके आप उसे अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए बिना कोहनी को फोल्ड किए हुए। ये आपके लैटिस मस्टोसाई मसल को टारगेट करता है। 15 रिपीटेशन होने के बाद आप ले ब्रेक। थर्ड एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन विथ एल्बो पुल। उसके लिए आप कंप्लीटली मैट पर लेट जाएं, पेट के बल दोनों पैरों में हल्का सा आप डिस्टेंस रखें, दोनों हाथों को इस तरीके से अपलिफ्ट करें फोल्ड करते हुए, ब्रीद इन कीजिए और चेस्ट को अप कीजिए और एल्बो को इस तरीके से पीछे ढकेलें। ध्यान रहे जब आप बैक एक्सटेंशन कर रहे हो आपका गर्दन पे कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से झटके ना दें, स्टेबल रखें, सामने नजर होनी चाहिए, सिर्फ चेस्ट अप रेज करना है और एल्बो को इस तरीके से पुल करना है पीछे की तरफ। जब आप ये रिपीट कर रहे हो तब आपका पैर जो है पीछे उठना नहीं चाहिए, उसे कंप्लीटली फ्लैट रखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट थ्रू आउट द टाइम करें। करते हैं अपना फोर्थ एक्सरसाइज। उसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरीके से ओवरहेड ले जाएं, दोनों पैरों का डिस्टेंस आप कम कीजिए, लंबी सांस लेते हुए दोनों पैर और दोनों हाथ को इस तरीके से साथ में उठाएं। इसमें भी आपको गर्दन पे आप झटके ना दें, हाथ और पैर को ज्यादा वाइड करके परफॉर्म ना करें, स्ट्रेट रखें, सारा फोकस आपका बैक पे होना चाहिए। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा रिपीटेशन भी कर सकते हैं। सो गाइज, इन एक्सरसाइजेस को आप करें रेगुलर परफॉर्म, आपको 21 डेज में ही इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे फिट एंड बेला चाओ।